क्लास पीजी और पीजी का एग्जाम बस आ ही गया है एंड आई नो की तुम सबको वो स्ट्रेस और एंगजाइटी हो रही है कि यार अब दो महीने बचे हैं अब कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा और उस डिमोटिवेशन की वजह से उस स्ट्रेस और एंगजाइटी की वजह से यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज और स्ट्रेस में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ठीक है तो उसी के लिए आई एम हियर टू डिस्कस कुछ मोटिवेशनल टिप्स कुछ ऐसी चीजें जिसके थ्रू यू कैन कीप ऑन ट्रैक विथ योर स्टडीज बहुत ज्यादा दिमाग कंफ्यूज ना हो कि यार इतना करना था आज इतना नहीं करा अब क्या होगा कि यार अब कितना पढ़ू और इतना सारा कोर्स बचाया इतना सारा कोर्स कैसे कवर होगा टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन आई हैव कम अप विद दिस वीडियो तो जाओ जल्दी जल्दी शेयर करो सबके साथ जो भी क्लास पी का एग्जाम दे रहे हैं या ए लेट का एग्जाम दे रहे हैं फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए टिप्स हैं कि कैसे तुम थोड़े मोटिवेटेड रह सकते हो ठीक है देखो सबसे पहली चीज़ कि ये चीज़ें मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी बट जस्ट टू कीप इट सिंपल एंड जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन अबाउट दिस जो तुम्हारा स्टडी शेड्यूल है मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि तुमने एक स्टडी शेड्यूल बना लिया है अगर नहीं बनाया है तो अभी एक स्टडी शेड्यूल बनाओ ठीक है अगर तुम्हारा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्टडी शेड्यूल है तो मेक श्योर sure, अगर वो स्टडी शेड्यूल तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है मतलब अगर तुम्हारे मॉक्स में अच्छे स्कोर आ रहे हैं अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम याद रख पा रहे हो अगर तुम्हें उस स्टडी शेड्यूल की प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाँ मैं सुबह सात बजे उठती हूँ सात बजे उठ के दस बजे तक पढ़ती हूँ फिर दस बजे ब्रेक लेती हूँ फिर उसके बाद साढ़े ग्यारह ग्यारह बजे से पढ़ती हूँ फिर एक ब्रेक लेती हूँ इफ यू हैव मेड अ हैबिट ऑफ दैट स्टडी शेड्यूल कंटिन्यू विथ इट ये टाइम नहीं है अपने स्टडी शेड्यूल को चेंज करने का ठीक पर अगर अभी भी एक स्टडी शेड्यूल नहीं बनाया है अभी भी अगर कन्फ्यूजन है कि कैसे स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्लीज एक स्टडी शेड्यूल बना लो इस स्टडी शेड्यूल में क्या करना है एक टाइम टेबल बनाना है आई नो बचपन से हम टाइम टेबल बनाते आ रहे हैं और टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते आ रहे हैं बट यहां हम थोड़ी कोशिश करेंगे उस टाइम टेबल को फॉलो करने की ठीक ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट टाइम सेट्स है कि वो सात बजे नहीं उठ पाई आठ बज गए तो एंगजाइटी हो रही है नो वी डोंट हैव टू डू दैट ठीक है रात को पढ़ना इजी लगता है रात को पढ़ो सुबह पढ़ना इजी लगता है सुबह पढ़ो डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी जैसी तुम्हारी बॉडी को हैबिट है उसके हिसाब से करो बस इतना याद रखो कि जो भी स्टडी शेड्यूल बनाओ उसमें तीन चीजों के लिए टाइम रखो सबसे पहला एक टाइम एक टाइम स्लॉट रखो किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने के लिए दिन के चार घंटे रखें फिर केस लॉज पढ़ने के लिए रखें बचे दिन के दो तीन घंटे ठीक है और लीगल करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हो अगर पढ़ते आ रहे हो तो पढ़ते रहो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं इसको छोड़ दो बट केस लॉज जरूर करते रहना ठीक है तो केस लॉज और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक प्रॉपर टाइम बनाओ और उस तरीके से केस लॉस पढ़ो और सब्जेक्ट पढ़ो डिसाइड करो कि हाँ एक दिन में मुझे सात से आठ केस लॉज तो पढ़ने ही हैं और एक दिन में मुझे कितना सब्जेक्ट में खत्म करना है तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन कर रही हूं तो मुझे आज की तारीख में पूरा फंडामेंटल राइट right और डीपीएसपी इतना पोर्शन कवर करना है ठीक अब यहां पर अगर तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी बट तुमने अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट right भी कवर कर लिया इवन इफ यू आर एबल टू कवर दिस मच कि चलो भाई फंडामेंटल राइट right हो गया डीपीएसपी नहीं हो पाया कोई बात नहीं परेशान मत हो इतना पोर्शन हो गया तो ठीक है सात से आठ केस लॉज नहीं हो पाए पर पांच से छह केसेस हो गए ठीक है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप सब्सटैंडिव अमाउंट ऑफ द टारगेट अचीव कर पा रहे इफ यू आर एबल टू अचीव 70% परसेंट ऑफ योर डेली गोल तो बिल्कुल परेशान मत हो ठीक है आई नो समेज आर लाइक कि आज मैंने सोचा था कि आज मैं फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और सेवन टू एट जजमेंट्स कर लूंगी पर आज सुबह से मुझे बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूं ठीक है एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि यार कुछ नहीं करा पूरा दिन वेस्ट हो गया एंड देन दैट एंगजाइटी एंड ट्रिगरिंग इन ठीक है अगर वैसा हो रहा है कोई बात नहीं रिलैक्स योर सेल्फ अगर ब्रेक लिया ही है तो प्रॉपरली ब्रेक लो उस दिन को एंजॉय करो एक मूवी देखो गाना सुनो कोई बुक पढ़ो जो भी करना है करो ब्रेक अगर लिया है तो टेक अ प्रॉपर ब्रेक उस ब्रेक की एंजाइटी मत लो उस ब्रेक का स्ट्रेस मत लो जब उस ब्रेक के बाद आप नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करोगे दैट नेक्स्ट डे विल हैव सो मच एनर्जी एंड सो मच पावर वो जो नेक्स्ट डे होगा ना उस नेक्स्ट डे पे आप ये सब कंप्लीट कर लोगे और इसके साथ एक आधा छोटा टॉपिक और भी कर लोगे ठीक है सो इफ योर बॉडी नीड्स रेस्ट गिव योर बॉडी दैट रेस्ट इफ योर बॉडी नीड्स सम ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज गिव योर बॉडी दैट ब्रेक गिव योर माइंड दैट पीस गिव योर माइंड दैट ब्रेक थोड़ा डिजर्व ब्रेक जो होता है उतना अपनी बॉडी को दो ठीक फिर स्टडी सेशन को ब्रेक डाउन करो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार बैठे तो चार घंटे ही पढ़ना है नहीं एक घंटे पढ़ा डेढ़ घंटे पढ़ा फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है तो एक डेढ़ घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लो फिर फिर से पढ़ने बैठो ठीक कोई टॉपिक पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा अटक गए हैं वहां पर उसको छोड़ो और आगे बढ़ो दूसरा टॉपिक पढ़ो ठीक है फंडामेंटल राइट right में आर्टिकल नाइनटीन पढ़ते पढ़ते अटक गए अब नहीं समझ में आ रहा Uh, उसी को बार बार पढ़ रहे हैं बार बार पढ़ रहे हैं उसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो केस केस लॉज लॉज उठा लो लो पढ़ ठीक है है तो डोंट गेट स्टक ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग जहां लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है दिमाग नहीं चल रहा है उस चीज को बंद करो उठो जाके एक गाना सुनो थोड़ा वॉक करके आओ फिर वापस पढ़ने बैठो ठीक ऑर्गेनाइज रहो भाई इस टाइम पे प्लीज अपने नोट्स को मत खोना जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करते आ रहे हो उस स्टडी मटेरियल को बहुत ध्यान से रखना उस स्टडी मटेरियल को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखना उसको खोना क्योंकि उससे और स्ट्रेस आएगा, और लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन के लिए तुम किस चीज से पढ़ोगे ठीक है तो लास्ट मोमेंट स्टडीज के लिए जो तुम्हारे नोट्स हैं, जो भी तुम्हारा मटेरियल है जिसे पढ़ रहे हो उस मटेरियल को थोड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखो सेफ तरीके से रखो अभी सबके घर में दिवाली की सफाई चल रही होगी प्लीज अपने नोट्स और अपने स्टडी मटेरियल का ध्यान रखना ठीक रेगुलर रिविजन तो अब तो क्या करना है पूरे हफ्ते जो पढ़ा आखिरी में आ, संडे को उठाया उसको और थोड़ा सा बस पेजेस टर्न करके रिवाइज कर लिया मॉक देने से पहले ठीक है एवरी संडे मॉक दो टाइमली अपने आप को टेस्ट करोगे टाइमली मॉक दोगे तो अपने आप को एनकरेज भी कर पाओगे मॉक का स्कोर इंक्रीज होगा तो उससे अपने आप को एनकरेज कर पाओगे तो रेगुलर रिविजन करके प्रैक्टिस करो रेगुलरली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट दो तो दैट इज नेसेसरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक अगर मानो कि तुमने मॉक दिया और मॉक में कोई क्वेश्चंस ऐसे थे जो तुम्हें थोड़े डिफिकल्ट लगे ठीक है उसकी वजह से पिछली बार आपका मॉक में स्कोर आया था से 55 मार्क्स ठीक इस इस बार बार कितना हो गया? इस बार हो गया गया 48 मार्क्स बट आपको पता है कि पिछले वाला जो, था, उसका लेवल जो था वो थोड़ा इजी था और उस मॉक में जो आया था लास्ट मॉक में उसमें सब कुछ आपने पढ़ रखा था और ये जो नेक्स्ट मॉक आया है इस मॉक का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है और कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो आपने अभी पढ़ी नहीं थी। तो आप क्या करोगे अपने आप को मोटिवेट करो कि हाँ यार ये कारण था इसलिए नहीं हुआ अगली बार मैं बेटर करूंगा और मैंने इस बार भी तो उतने ही डेडिकेशन के साथ पढ़ा था कीप ऑन मोटिवेटिंग योर और अगर आपका मॉक में स्कोर अच्छा आया है गिव योर सेल्फ अ स्मॉल ट्रीट जाओ आइसक्रीम खा लो एक चॉकलेट खा लो टेक अ ब्रेक लिसन टू अ सॉन्ग गो फॉर अ रन वॉट यू लाइक टू डू डू दैट ठीक है, ट योर सेल्फ अपने आप को पॉजिटिव अफॉर्मेशन दो कि हाँ मैं कर सकती हूं मैं कर लूंगी तो मैं हो ही जाएगा एक मॉक में कम स्कोर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है सेलिब्रेट स्मॉल विंस अच्छा स्कोर आया है आज का टारगेट कंप्लीट करा है तो जाओ आइसक्रीम खाओ चॉकलेट खाओ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू ठीक है तो रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जैसे हम छोटे बच्चों के साथ नहीं करते कि ये तुमने इतना होमवर्क कर लिया तो मैं तुम्हें दो रुपए दूंगी पांच रुपए दूंगी एक चॉकलेट दूंगी डू दैट टू योर सेल्फ दैट विल हेल्प यू टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ठीक लास्ट कुछ बहुत जेनरिक uh, से टिप है विजुअलाइज करो सक्सेस को सोचो कि बस दो महीने बचे हैं बस दो महीने मुझे लग के मेहनत करनी है अगर मैंने दो महीने और लग के मेहनत कर ली तो मेरा क्लैट पीजी क्लियर हो जाएगा और अगर मुझे पीएसयू चाहिए तो मुझे पीएसयू मिल जाएगा और अगर मुझे कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए नेशनल यूनिवर्सिटी तो मुझे वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जस्ट सेट योर गोल Visualize it, कि यार बस महीने की मेहनत है ठीक है विजुअलाइज पिक्चर करो अपने गोल को अवॉइड कंपेरिजन हाँ दोस्तों के साथ फालतू तो में ये मत पूछो कि तेरा मॉक में स्कोर कितना था अब उसका 60 है तुम्हारा तो 55 है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं डोंट डू कंपेरिजन है ना तुम्हारा भी धीरे धीरे बढ़ सकता है जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कौन है आपका कॉम्पिटिटर ऑलवेज रिमेंबर यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने साथ करो कि पिछले बार मेरे 55 थे तो इस बार मेरे 60 होने चाहिए सेट योर ओन टारगेट कि इस मंथ के स्टार्टिंग में इफ आई स्कोर 55, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई नीड टू स्कोर 75 मार्क्स इन माय स्कोर दैट इज हाउ यू शुड सेट टारगेट्स, है ना? खुद के लिए टारगेट सेट करो दूसरों से कंपेयर करके टारगेट सेट मत करो अपने इंडिविजुअलिटी के हिसाब से अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से अपने आप को जज करो दूसरों से कंपेयर करके नहीं कनेक्टेड रहो अगर कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मोटिवेट करते हैं मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं फैकल्टीज हैं टीचर्स हैं जो भी है जिनसे भी आप रिलाई करते हो जो भी आपको पॉजिटिव अफॉर्मेशन देते हैं उन लोगों के साथ रहो जो ऐसे है ना जो बोलते हैं कि हाँ तेरा इतना कम स्कोर आया है अरे अब क्या होगा डोंट टॉक टू दोस पीपल स्टे फार फार अवे फ्रॉम दो पीपल और

स्टे कनेक्टेड एंड टॉक टू अदर्स ये मैंने तुम्हें बता दिया एक चीज और कर सकते हो कि जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं आ, कहीं कोई टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जैसे एक हमारा भी एलएलएम का ग्रुप है राइट तो उस तरीके के आप टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहां भी कोई बोलेगा कि यार अभी तो इतना पढ़ने के लिए बचा है तो तुम्हें भी लगेगा हाँ मेरा भी इतना पढ़ने के लिए बचा है तो उस तरीके से इफ योर फ्रेंड्स कर लो कि आज कितना टारगेट था आज मैंने रिलेट कर करने के लिए कि हाँ यार कोई और भी है तो उसके साथ सेम दुख बीत रहा है तो वहां पे जब तुम रिलेट करोगे तो तुम्हें थोड़ा ईज डाउन फील होगा ठीक है आई होप कि इन टिप्स से तुम्हें कुछ हेल्प मिली हो पढ़ाई रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो तुम टॉप रैंकर्स डॉट कॉम विजिट कर सकते हो वहाँ हमारे कोर्सेज वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो तो टारगेट एन बैच है जो सेवन्थ अक्टूबर को चालू हो रहा है इस बार की फ्लाट पी का लास्ट बैच है टेस्ट uh, सीरीज है टेस्ट सीरीज वगैरह देखनी है तो वो जाके देख सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए अगर तुम्हें जरूरत है तो ये सब चीज़ें यू कैन एक्सप्लोर फॉर टॉप रैंकर्स डॉट कॉम बाकी फिलोसफिकल चीजें मोटिवेशन थोड़े बहुत टिप्स और एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हम यहाँ लाते रहेंगे तो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आई होप कुछ फेथ कुछ मोटिवेशन कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई हो थ्रू दिस वीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बै